हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। कंटिन्यू करते हैं सोयल साइंस को। सोयल साइंस के दो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा सोयल साइंस प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में से वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। रॉक्स और उसके टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी बन रही है वो रॉक्स से ही बन रही है। रॉक्स और मिनरल से क्या होती है, वेदरिंग होती है। उस वेदरिंग के बाद हमारी मिट्टी बनती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, रॉक्स और उसके हम टाइप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। रॉक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। रॉक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। ये जो पेट्रोलॉजी है, ग्रीक वर्ड पेट्रा से मिलकर बना होता है। किससे बना है, ये पेट्रा से बना है। और इस पेट्रा का मतलब भी होता है रॉक्स। इस पेट्रा का मतलब क्या होता है, इस पेट्रा का मतलब भी होता है रॉक्स, ठीक है। रॉक्स की स्टडी करने को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी एक ग्रीक वर्ड पेट्रा से मिलकर बना होता है और इसी को हम कह देते हैं रॉक्स, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बनाते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारे रॉक्स, ठीक है। अब होता क्या है, ये मान लो कोई ज्वालामुखी है बोल के उन्होंने, ठीक है। जब ये फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके अंदर से निकलता है मोल्टन मटेरियल। यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी हाई होता है, हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर होने के बाद कारण जितना भी मटेरियल अंदर पाया जाता है सारा पिघले हुए फॉर्म में होता है। पिघले हुए का हम बोलते हैं मोल्टन, वो मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। तो जितना ही मटेरियल यहाँ पर बाहर निकलेगा वो कैसा होगा, मोल्टन होगा, मोल्टन मटेरियल। जितना ही मटेरियल होगा कैसा होगा, मोल्टन मटेरियल होगा। ये जब मोल्टन मटेरियल बाहर निकलेगा, पहले यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई था, वो काफ़ी हॉट था, गर्म था, ठीक है। जब वो बाहर आएगा तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, ठीक है। अभी जब ठंडा होगा तो वो सॉलिड के फॉर्म में चेंज होगा। ये जब जो मटेरियल मटेरियल बाहर निकल रहा है, कोई भी चीज़ जब गर्म होती है तो वो कैसे फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब वो ठंडी होती है तो धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है। जब उसका टेम्परेचर कम होता है, जब वो ठंडी होती है तो सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। तो ये जब बाहर आएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में आया, इसको हवा लगेगी तो ये ठंडा होगा, ठीक है। ठंडा होने से ये कैसा होगा, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा और ये यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा रॉक का। ये क्या करेगा, ये जो मोल्टन मटेरियल है ये फॉर्मेशन करेगा रॉक का, रॉक का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो मोल्टन मटेरियल यहाँ पर निकल रहा है ये अर्थ के क्रस्ट में से निकल रहा है, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट में क्या पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किए थे। एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं सारे हमने डिस्कस किए थे। मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया भी था रॉक कैसे बन रही है, रॉक बन रही है मिनरल्स, मिनरल दो या दो से ज़्यादा मिनरल जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं रॉक। तो यहाँ से निकल रहे हैं मिनरल्स, और मिनरल्स यहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं, वो ठंडा होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं रॉक, रॉक का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी जो रॉक्स होती है वो दो प्रकार से होती है। हम यहाँ पर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, मिनरल के बेसिस पर हम बात करें। ये जो रॉक्स होती है ये दो प्रकार की होती है। हम यहाँ पर किस बेस पर बात कर रहे हैं, मिनरल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल के बेसिस पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, मिनरल के बेसिस पे हम बात करें, मिनरल को हम आधार बना के बात करें। तो ये जो रॉक है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए मोनोमिनरलिक, ठीक है, और एक होंगे मल्टी मिनरेलिक, ठीक है। अब यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल सिंगल मिनरल डोमिनेंट होगा, सिंगल मिनरल डोमिनेट यहाँ पर होगा, ठीक है। एक ही टाइप के मिनरल से बनेंगे, सिंगल मिनरल यहाँ पर डोमिनेट होता है। मल्टी मिनरल की बात करें, यहाँ पर मोर देन वन मिनरल, एक से ज़्यादा मिनरल यहाँ पर डोमिनेट होंगे, मोर देन वन मिनरल। ये मल्टी का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन वन मिनरल, वन मिनरल से ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेंट होंगे, मोर देन वन मिनरल्स आर डोमिनेंट, ठीक है। मोनो मिनरल में हम एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है डोलोमाइट, ओलिविन, लाइमस्टोन, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। और मल्टी मिनरल की बात करें तो ये इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ठीक है। ये तो जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये एग्जांपल हो जाएंगे मल्टी मिनरल के, ठीक है। तो रॉक को हमने ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, मिनरल के बेसिस पर इसको दो कैटेगरी में हमने बांटा है, मोनो मिनरलिक और मल्टी मिनरलिक, ठीक है। मोनो मिनरलिक में हम बात करें तो इसमें सिंगल मिनरल डोमिनेंट होता है। इसके एग्जांपल की बात करें डोलोमाइट, ओलिविन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ओलिविन और लाइमस्टोन। मल्टी मिनरलिक की बात करें तो इसके यहाँ पर जो एग्जांपल होगा वो होगा ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। यहाँ पर जो मिनरल डोमिनेंट होगा वो दो या दो से ज़्यादा होगा, ये एक या एक से ज़्यादा होगा। मल्टी मतलब होता है दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ये हमने पढ़ा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल। अब बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंटरी रॉक के बारे में और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बेस पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फॉर्मेशन के बेस पर बात करें, रॉक्स को तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, इग्नियस रॉक, दूसरा है सेडिमेंटरी रॉक, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। ये तीन प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं इग्नियस रॉक, फिर हम पढ़ते हैं सेडिमेंटरी रॉक, फिर हम पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये जो इग्नियस रॉक होती है ये हमारी होती है प्राइमरी रॉक। सबसे पहले अगर कोई रॉक बनी है, सबसे ओल्डेस्ट रॉक कोई है तो वह है इग्नियस रॉक, जो सबसे पहले बनती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक, ठीक है। उसके बाद हमारी बनती है सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक के बाद हमारी बनती है सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। तो इस सेडिमेंटरी रॉक को हम बोल देते हैं सेकेंडरी रॉक, ठीक है, सेकेंडरी रॉक, क्योंकि ये बाद में बनती है, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो इन दोनों से बनती है, इग्नियस और सेडिमेंटरी, दोनों के कुछ कुछ फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, उसके बाद बनती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे तीनों को, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इग्नियस रॉक की, ये जो इग्नियस रॉक है बनती कैसे है। देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से क्या निकलता है, मोल्टन मटेरियल निकलता है बाहर, ठीक है। जो मैग्मा होता है उसको हम बोलते हैं मैग्मा, वो मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। अभी जब मैग्मा बाहर निकलता है तो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो उसमें क्या होगा, सोलिडिफिकेशन होगा। जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ठंडा होगा तो उसका क्या होगा, सोलिडिफिकेशन होगा, मतलब वो सॉलिड में चेंज होगा, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा क्या होगा, सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है। मैग्मा को हम बोलते हैं मोल्टन मटेरियल। ये जब मैग्मा सॉलिड में चेंज होगा तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन करेगा इग्नियस रॉक का। किसका फॉर्मेशन होगा, इग्नियस रॉक का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये जो इग्नियस रॉक है ये सबसे पहली रॉक है, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक, इसलिए इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक, मतलब कोई सबसे पहले कोई रॉक बन रही है तो यही है इग्नियस रॉक, फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक, इसको हम फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक बोलते हैं। सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई रॉक है तो यही है, इसको हम ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मिंग रॉक भी बोलते हैं, इसको हम ओल्डेस्ट रॉक भी कहते हैं, इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये बनती है, इसलिए हम इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे टोटल अर्थ का बात करें तो 90% तो यही है, 90% यही कवर करती है टोटल अर्थ का इग्नियस रॉक। इग्नियस की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड, इग्नियस जो वर्ड है कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया है। किस वर्ड से आया है, इग्निस से आया है, और इग्निस का मतलब होता है फायर, तो सही बात है। ज्वालामुखी फट रहा है तो उसमें से क्या निकलती है, आग ही निकलती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है,
तो इग्निस का मतलब क्या होता है? फायर। फायर मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, हम यहाँ पर भी दो कैटेगरी है, इग्नियस रॉक के अंदर भी दो कैटेगरी है। अगर ज्वालामुखी फट रहा है और वो जो मोल्टन मटेरियल है वो अगर सरफेस के अंदर ही रह गया, बाहर नहीं आ पाया, ठीक है, यहाँ पर दो कैटेगरी है, बिलो अर्थ सरफेस, यानी जो ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, वो फटने के बाद जो मोल्टन मटेरियल था, जो मैग्मा था वो अंदर ही रह गया, सॉइल के नीचे ही रह गया, वो बाहर आ ही नहीं पाया, ठीक है। और एक होता है बाहर आ गया, अबव द अर्थ सरफेस, जो मैग्मा है हमारा वो बाहर आ गया, उसको हम बोल देंगे अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। बिलो द अर्थ सरफेस में क्या होता है, मान लो रॉक है, अब यहाँ से नीचे से ज्वालामुखी जब फटेगा तो इस चीज़ें मोल्टन मटेरियल जितना भी होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मोल्टन मटेरियल यहाँ पर अंदर ही रह जाता है, ठीक है, मोल्टन मटेरियल जितना भी हम यहाँ पर अंदर ही जाता है। अब धीरे धीरे बाद में ठंडा हो जाएगा, इसका सॉलिडिफिकेशन होगा, तो यहाँ पर ये रॉक का फॉर्मेशन होगा, तो रॉक का जो फॉर्मेशन हो रहा है वहीं नीचे हो जाता है, यहाँ पर जो रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे हो जाता है। तो ऐसी जो रॉक होती है उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। अगर ज्वालामुखी फट रहा है और जितना भी मटेरियल सब बाहर आ गया, बाहर आके यहाँ पर ठंडा हो रहा है, इसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, एक लेयर बन रही है जिससे फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। बाहर आके अगर फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो रहा है, रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसी जो रॉक होगी उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। ये जो रॉक होगी वो कैसी होगी? ये होगी वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक, इसको हम वोल्केनिक रॉक कहेंगे, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस लेक्चर के अंदर? हमने सबसे पहले रॉक्स के बारे में देखा, ठीक है, रॉक्स क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, मिनरल्स के बेसिस पे हमने पढ़ा रॉक क्या, रॉक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मोनो मिनरलिक एंड मल्टी मिनरलिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने देखा जिसमें तीन कैटेगरी थी, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, जिसमें हम पढ़ रहे थे इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक में भी हमने पूरा पढ़ लिया था, जिसमें इग्नियस रॉक की मैंने दो कैटेगरी अभी आपको बताई, एक होता है प्लूटोनिक और एक होता है वोल्केनिक। अभी आपको मैंने बताया ना, प्लूटोनिक और एक होता है वोल्केनिक, ठीक है। अभी जो प्लूटोनिक और वोल्केनिक है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। प्लूटोनिक क्या होता है, वोल्केनिक क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी हमारा इग्नियस रॉक पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इग्नियस रॉक हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा देना। इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, हमारे बाय बाय, टेक केयर।